आपको बता दें, देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार देशद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली लाया जा रहा है। शर्जील को अब से कुछ देर के बाद में दिल्ली लेकर आया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर फिलहाल शर्जील को लेकर टीम पहुंच चुकी है। देशद्रोह केस में कल जहानाबाद से शर्जील इमाम की गिरफ्तारी हुई। रात भर थाने में ही शर्जील इमाम रहा, उसके बाद में अब पटना से दिल्ली लेकर पहुंच रही है ये टीम। बिहार के जहानाबाद से कल गिरफ्तारी हुई थी शर्जील इमाम की। हालांकि कल उसे दिल्ली नहीं लाया जा सका, उसे पटना में ही रखा गया था। पटना में महिला थाने में रात भर शर्जील इमाम रहा। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस लगातार शर्जील की तलाश में छापेमारी कर रही थी। 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड अब पुलिस को मिली है। इसके बाद में पुलिस की टीम शर्जील को लेकर अब दिल्ली आ रही है। लेकिन जब आज पटना एयरपोर्ट पर शर्जील इमाम को लेकर पुलिस पहुंची तो देखिए वहां पर किस तरह से एकदम हलचल तेज हो गई देखने को मिली। यहां पर हालांकि जो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे, उन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया। शर्जील इमाम के बारे में जैसे ही यहाँ पर जानकारी लगी, उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए किस तरह से एक तरह से भगदड़ जैसी स्थिति बनी। लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में पहले से मौजूद सुरक्षा बलों ने वहां पर रोका, कंट्रोल किया। अब हालांकि पटना एयरपोर्ट से दिल्ली लेकर आया जा रहा है शर्जील इमाम को। दिल्ली के साकेत कोर्ट में शर्जील की आज पेशी होनी है। आज पेश किया जाएगा साकेत कोर्ट में। आपको बता दें, शर्जील इमाम का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें जिस तरह की बयानबाजी थी, जिस तरह के बोल थे, भड़काऊ बोल, उसके बाद में शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। लगातार मामला दर्ज होने के बाद से ही शर्जील इमाम फरार था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस, बिहार की टीम भी लगातार छापेमारी कर रही थी। और आखिरकार कल जहानाबाद से शर्जील इमाम को गिरफ्तार किया गया और फिर शर्जील इमाम को आज अब दिल्ली लाया जाएगा। कल दिल्ली नहीं लेकर आ पाई थी टीम, इसीलिए पटना के महिला थाने में शर्जील इमाम को रखा गया था। बताया ये भी जा रहा है कि कल जब शर्जील इमाम को वहां पे रखा गया तब काफी बेचैन शर्जील इमाम नजर आया। अब आज साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। लगातार जिस तरह से CAA NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस विरोध प्रदर्शन के बीच में जो भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बोल वाले जो वीडियोस हैं वो वायरल हुए, उसमें से एक शर्जील इमाम का भी एक वीडियो था जिसमें असम को अलग करने की बात कही गई थी। और जो भाषा का इस्तेमाल उस वीडियो में शर्जील इमाम ने किया था वो काफी आपत्तिजनक था, वो भड़काऊ भाषण। उसके बाद में मामला दर्ज किया गया शर्जील इमाम के खिलाफ देशद्रोह का, और अब आज गिरफ्तारी के बाद में दिल्ली लाया जा रहा है। शर्जील को लेकर पटना से दिल्ली रवानगी की तैयारी पूरी, और पटना एयरपोर्ट शर्जील को लेकर आया जा रहा है। आप देखिए, रात महिला थाना में गुजरी शर्जील की, और शर्जील इस वक्त पटना एयरपोर्ट पे पहुंचा। आप देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम और किस तरीके से जो तमाम पुलिसकर्मी है वो मौजूद हैं। कई गाड़ियों के साथ शर्जील को लेकर यहाँ पहुंचा गया है, शर्जील को लेकर पहुंचा गया है। आप देखिए किस तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से कड़े सुरक्षा व्यवस्था में शर्जील को लाया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में शर्जील को पटना एयरपोर्ट लाया गया है, और शर्जील इस वक्त दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की गाड़ी के साथ यहां पहुंची है। सीधे हम पटना का रुख करते हैं। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। रजनीश, जब वहां पर टीम पहुंची, देखा कितनी ढेर सारी सुरक्षा के बीच में शर्जील को वहां पर ले जाया गया, लेकिन इस दौरान न्यूज स्टेशन ने शर्जील से बात करने की कोशिश की या फिर कोई रिएक्शन शर्जील की तरफ से इस दौरान नजर आ रहा था? देखिए, लगातार हमने कोशिश की और बार बार हम सवाल पूछ रहे थे शर्जील से कि जो जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल तुमने किया, ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, मगर शर्जील कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। वो अपने वैन से उतरा और पुलिस उसे लेकर तुरंत एयरपोर्ट के अंदर चली गई। सुरक्षा के काफ़ी इंतजाम थे, हमने बार बार ID लगाई, उससे सवाल करने की कोशिश की, मगर शर्जील कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो बस स्टेयर कर रहा था, थोड़ा घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर घबराहट थी। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसका जो सॉल था, उसका जो पुल ओवर था, वो फंस गया गाड़ी में, तो वो पलट के हमारी तरफ देख रहा था कि आखिर किस तरह से पूरा मेसी हो गया था पूरा उस वक्त माहौल। लेकिन शर्जील कुछ भी बोल नहीं रहा था। जिस तरीके से महिला थाना में उसे रात भर रखा गया, और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रात भर उसकी रात काफ़ी बेचैनी में गुजरी। शर्जील कुछ ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल खामोश था। बाहर से उसके लिए खाना मंगवाया गया था, उसने थोड़ा बहुत खाना खाया और आज तड़के सुबह उठ गया था। बिल्कुल सुबह उठ के वह बैठा हुआ था, थोड़ा परेशान दिख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब अभी उसको देने हैं। दिल्ली ले जाने की तैयारी कल रात में ही थी नैना, लेकिन चूंकि काफ़ी लेट हो गया जहानाबाद से पटना पहुँचने में, रात की फ्लाइट छूट गई, तो रात तक एयरपोर्ट पर हम लोग इंतज़ार करते रहे, मगर फिर उसे
महिला थाना जो कि पटना एयरपोर्ट से महज 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ रात भर उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया और सुबह से ही वहाँ पर काफ़ी चाक चौबंद इंतजाम थे सुरक्षा के और एयरपोर्ट लाया गया। अभी भी एयरपोर्ट पर आप देखिए किस तरह से गहमा गहमी है, यहाँ पर पुलिस के अभी भी इंतजाम है चूँकि सर्जिल अंदर है और जो तमाम मीडिया की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट से पहले स्पाइसजेट की फ्लाइट से जाने की बात थी, अब बताया जा रहा है कि 10:45 में जो फ्लाइट यहाँ से जाएगी हो सकता है सर्जिल उसमें हो, क्योंकि 2 फ्लाइट में टिकट की बात थी ना, लेकिन शायद दूसरे फ्लाइट से वो जाए 10:45 की जो फ्लाइट है उससे और 12:15 के आसपास सर्जिल दिल्ली पहुंचे, तो इसकी गुंजाइश है। फिलहाल सर्जिल को अंदर ले जाया गया है, जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे वो उसे लेकर गए और जो कुछ अधिकारी बचे वो यहाँ से वैन से रवाना हो गए। जी बिल्कुल, यानी कि कल रात काफी बेचैन था सर्जिल इमाम। लेकिन रजनीश एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार की गई, पुलिस की टीम सर्जिल इमाम के घर पे कई बार गई और हर उस जगह पर जहां पर सर्जिल इमाम के होने की आशंका थी, लेकिन बताया जा रहा है जहानाबाद में ही काफी लंबे समय से भेष बदल के भी सर्जिल इमाम रह रहा था। जी नहीं, देखिए वो पटना में तो था, भेष उसने तो नहीं बदला था क्योंकि बिल्कुल उसका वही रूप है, इस तरह बियर्ड है और मुस्टैच उसी तरीके से था, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सर्जिल ने सरेंडर की कोशिश पटना में जरूर की थी। पटना में जो हमारे पास जानकारी है कि पूर्व पार्षद के घर पे वो पहुंचा था रविवार के दिन और वो कोशिश कर रहा था कि सोमवार को वो यहाँ पटना के न्यायालय में सरेंडर करे, मगर पुलिस की दबिश इतनी थी कि वो सरेंडर नहीं कर पाया और वापस यहाँ से वो जहानाबाद अपने गाँव चला गया और आखिर वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई। तो सर्जिल चाह रहा था कि वो खुद से कोर्ट में सरेंडर कर दे मगर वो सरेंडर कर नहीं पा रहा था, पुलिस लगातार दबिश बना रखी थी और पुलिस गिरफ्तारी चाह रही थी, तो सर्जिल भागता फिर रहा था। एक बार उसके चर्चा यह भी थी कि चूंकि बिहार सीमावर्ती इलाके नेपाल से जुड़ा हुआ है तो उधर भी उसके जाने की चर्चा हुई थी, मगर चूंकि इतनी ज्यादा नाकेबंदी थी हर तरफ कि सर्जिल निकल नहीं पा रहा था और यही कारण है कि आखिर उसकी गिरफ्तारी उसके पैतृक गांव काको से हुई। नैना जी बिल्कुल, और अब सर्जिल इमाम को लेकर जो टीम है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है, हालांकि 10:45 की फ्लाइट मानी जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें फिलहाल दिल्ली पटना एयरपोर्ट पर सर्जिल इमाम को लेकर पुलिस पहुंची है और अब 2 फ्लाइट्स का जैसा बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश, माना जा रहा है 10:45 वो वक्त होगा 10:45 की फ्लाइट से जब टीम सर्जिल इमाम को लेकर दिल्ली पहुँचेगी। आज दिल्ली में साकेत कोर्ट में सर्जिल इमाम को पेश किया जाना है।